बधाई हो। उत्तर प्रदेश में अब आपका मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, कि आप भी रेस में हैं? धन्यवाद। तो बिल्कुल नहीं, मैं सांसद हूं, सांसद के रूप में काम करूंगा। लेकिन खुशी की बात यह है कि जहां लगातार समाजवादी पार्टी, बसपा, एक बार समाजवादी, एक बार बीएसपी आ रही थी, जिस तरह के आपको संकेत मिल रहे प्रारंभिक, वो कहीं ना कहीं दीपक जी आपको नहीं लग रहा कि ये केंद्र में जो 2.5 साल मोदी जी की सरकार के कामकाज करने का तरीका था, जो उनकी लोकप्रियता बनी है, ये मुझे लगता है कि अब समाजवादी बीएसपी मिलकर के भी उसको रोकने में नहीं कामयाब हो पा रही है। और जिस तरह से अखिलेश का बयान भी आया था कि हम भाजपा को रोकने के लिए हम किसी का समर्थन ले सकते हैं, किसी को दे सकते हैं, तो इससे साफ है कि उत्तर प्रदेश के हर क्षेत्र में जिस तरह का समर्थन भाजपा को मिल रहा है, उससे कहीं ना कहीं ये परिणाम निश्चित तौर से भाजपा के लिए एक बड़ी सफलता की तरफ परिचायक है और केंद्र सरकार की लोकप्रियता का भी। तो क्या ये केंद्र सरकार की लोकप्रियता का पैमाना नापेंगे? इन तमाम चीजों पर हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन जब पिटारा खुल जाए उसके बाद, जब ये सर्टेनिटी हो जाए कि कौन कहां पर सरकार बना रहा है, क्या गठबंधन की जरूरत कहीं पर पड़ती है? लेकिन मुझे नहीं लगता कहीं पर गठबंधन की जरूरत पड़ेगी गोवा को छोड़कर। और गोवा ही एक ऐसी जगह है जहां पर मतलब प्लस माइनस स्क्वायर, गणित, भाग, गुणा सब कुछ चलता रहता है वहां पर। वो ऐसा भी हो चुका है वहां पर एक बार कि स्पीकर समेत दूसरी पार्टी में चले गए लोग, पार्टी स्पीकर भी बदल लिया अपना चेहरा। लेकिन सीधा चलता हूं गोवा की ही बात करने हमारे सहयोगी पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी के पास। मनीष जी, क्या नई जानकारी है गोवा से? दीपक भाई, सबसे बड़ी जानकारी जिसका कि मैंने उल्लेख किया था अपने इस संवाद में, लक्ष्मीकांत पारसेकर लगभग 1000 मतों से पीछे चल रहे हैं। मैं ये बता रहा हूं, ये सबसे बड़ा नतीजा। ये देखिए लोगों में जो उत्सुकता हो रही है यहां पर, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस का झंडा यहां पर दिखाई दे रहा है। कांग्रेस को बड़े लंबे समय से इंतजार था गोवा में, लेकिन ये पहला झटका, इसे ये नहीं समझा जा सकता कि सरकार किसकी बनेगी, लेकिन गोवा के मुख्यमंत्री पीछे चलना, यहां पर लोगों के चेहरे पर जो खुशी दिख रही है उससे ये साफ दिखता है, क्योंकि गोवा में बहुत ज्यादा मत नहीं पड़ते, बहुत छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है। ऐसी स्थिति में 1000 मतों से पीछे चलना, ये अच्छा संकेत नहीं है गोवा के मुखिया के लिए। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा, आप जुड़े रहिएगा। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, यूपी में रुझानों में बीजेपी 150 के पार चली गई है, 151 सीटों पर आगे है, और अब बहुमत से मात्र 232 सीटों के रुझान आ चुके हैं, 403 सीटें हैं और बहुमत 202 का है। यानी अगर हम देखें तो 50 और 51 सीटें उसे और चाहिए, बहुमत के लिए इतिहास रचा जाएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है उत्तर प्रदेश में, तो 14 साल बाद बीजेपी का वनवास खत्म होगा, नरेंद्र मोदी के लिए अब तक की यह सबसे बड़ी सफलता होगी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी नंबर 1 बन जाएगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश पर पूरे देश की निगाहें थी, विदेश की निगाहें थी, इकोनॉमी के अंदर बड़े फैसले कर पाएंगे, राज्यसभा में अंकगणित बहुत बदल जाएगा, अपना राष्ट्रपति बनवा पाएंगे, अपना उपराष्ट्रपति बनवा पाएंगे, और देश में मोदी राज पर एक बहुत बड़ा ठप्पा लग जाएगा और 2019 के लिए बहुत ज्यादा फायदा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम को। तो यूपी में रुझानों में बीजेपी 150 के पार है, ऐसे में क्या जो कैलकुलेशंस, जो मल्टीप्लीकेशंस, निगेशन कैबिनेट के साथ प्रधानमंत्री को करने हैं, जो नीतिगत कड़े फैसले लेने हैं, क्या प्रधानमंत्री उसको लेंगे? क्योंकि अब एक डिसीसिव मैंडेट दूसरी बार उनको मिल जाएगा। अगर हम ये कहें कि 2014 का रिप्लिका, 2017 का ये रिजल्ट है, तो गलत नहीं होगा। दो बार अपने आप को प्रूव करेंगे नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के अंदर, और उत्तर प्रदेश के अंदर प्रूव करना, जैसे हम मैच खेलते हैं ना, तो क्वार्टर फाइनल ही अगर हमने पाकिस्तान के खिलाफ खेल लिया तो लोग ये बोलते हैं, सर बहुत बढ़िया हुआ मैच जीता, मतलब वर्ल्ड कप जीत लिया आपने, खेला क्वार्टर फाइनल हो। तो उत्तर प्रदेश जीत लिया, यानी आपने उसी तरह का एक मैच जीत लिया। अरुण जी, देश भर में लोकसभा की केवल 15% सीटें यूपी में है, लेकिन बीजेपी के किटी जो है उसमें 25% सीटें यूपी से है। तो यूपी यदि उन्होंने जीत लिया तो देश को जीतने में, लोकसभा चुनाव अगला जीतने में उनको बहुत दिक्कत नहीं आएगी। दीपक जी, इसमें एक बहुत प्राउड फैक्टर ये है भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के लिए कि 3.5 साल की सरकार में एक भी भ्रष्टाचार का कोई भी आरोप विरोधी दल भी नहीं लगा पाए। तो जो पारदर्शी सरकार चली है, जो जन जन की संवेदनाओं से जुड़ी हुई योजनाएं आई हैं, जो नीतियां हैं,
उसका कारण है कि आज जो दिखाई दे रहा है कि गांव में बैठा व्यक्ति को भी ये विश्वास है कि मेरे देश भारत का भला अगर कोई कर सकता है तो वो नरेंद्र मोदी कर सकता है। तो जो नरेंद्र मोदी जी की नीतियां, उनके पूरी की पूरी योजनाएं और अमित शाह जी की स्ट्रेटजीज और कार्यकर्ताओं का पूरी तरह से खड़े और सजग हो जाना, मुझे लगता है वो ये परिणाम बहुत अच्छे। गोवा में भी मेरा मैं वहां की प्रभारी रही हूं और जो मेरा आंकलन है, मुझे ऐसा लगता है कि 21 के आसपास हम फाइनली आते आते जरूर आ जाएंगे।